चाबी? आलोक, कल सुबह कॉलेज के लिए ना 9 बजे निकलेंगे, ठीक है? ठीक है, हम 8:30 बजे आ जाएंगे। खाना रेडी है माँ? हाँ, आ रहे हम। इतना टाइम कैसे लग गया जानवी? पापा वो इकोनॉमिक्स की एक्स्ट्रा क्लासेस ना वो लेट शुरू हुई थी तो लेट खत्म हुई इसलिए मैं लेट हो गया। क्लास में थी या कहीं और? हम क्लास में ही थे, आप चाहे तो आलोक से पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछ लेंगे। जी पापा जी। सुमन, सुमन। अरे राम भैया, आइए। सुमन, तुम्हारा बेटा आलोक कल रात घर नहीं आया होगा। नहीं, वो शायद प्रहलाद जी के यहाँ ज्यादा काम रहा होगा, वहीं रुक गया होगा। होता है कभी कभी ऐसा देरी। हम जो बताने जा रहे हैं ना, आराम से सुनना, हड़बड़ाना नहीं। हम हड़बड़ा नहीं रहे, पर आप आलोक को कहे पूछ रहे हैं। बात कहे राम भैया, वो कल रात बंसोली मोड़ पे हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर किसी ने आलोक राम भैया कहा हुआ आलोक को? आलोक को गोली मार दी। गोली मार दी? समाज के बनाए नियम, समाज के बनाए दायरे और समाज में बने रिश्तों की सीमाएं, ये हमारे जीने के तौर तरीकों पर ना सिर्फ हावी रहती हैं, बल्कि इसी ढांचे के तहत हम अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन तन और मन की इच्छाओं पर क्या कोई बंदिश हो सकती है? जरूरत किसी नियम को नहीं मानती और इन्हीं नियमों की रेखा पार करने की कश्मकश कई बार जड़ होती है जुर्म की। सर, 5 कारतूस मिले, शूटर यहीं कहीं छुपके घात लगाए बैठा होगा। इस आलोक का रोजाना इसी रास्ते से घर आना जाना था? जी साहब, वो लखनऊ में काम करता था, वो प्रहलाद चौधरी है ना उसके पास? वो बाहुबली प्रहलाद चौधरी? हाँ साहब, वही प्रहलाद चौधरी, कल रात भी उन्हीं के पास से काम करके लौट रहा था। आसपास के लोगों का कहना है ये 3 गोलियां देख रहे हैं आप, काफी दूर से फायर किए गए हैं, रेंज ज्यादा थी इसलिए 3 इंच का घाव है। स्किड मार्क देख के यही लगता है कि जब गोलियां चलाई गई आलोक बाइक चला रहा था। तीनों गोलियां एकदम सटीक निशाने पे लगी, एक भी गोली इधर उधर नहीं, मतलब शूटर प्रोफेशनल रहा होगा। बिल्कुल, काफी सफाई से काम किया गया है, शायद इसे जवाबी हमला करने का मौका नहीं मिला होगा। ए, इंस्पेक्टर, कौन मारा आलोक को? प्रहलाद जी, कल रात ही हुआ है मर्डर, अभी तो हमने जांच शुरू की है। खोद निकालो इस साले को, चाहे जिस बिल में छुपाओ, छोड़ना मत। आलोक हमारा आदमी था, हमारा वफादार, हमारा बॉडीगार्ड, अपने परिवार से ज्यादा उस पर भरोसा करते थे। उसके कातिल को जेल में डालने के बजाय हमारे हवाले कर देना, हम देख लेंगे उसका जो करना। शांत हो जाइए प्रहलाद जी, शांत हो जाइए, आप चिंता मत कीजिए, हम हमारी कार्यवाही बहुत अच्छे से करेंगे। पूरा थाना को काम पे लगा दो, कुछ भी करो, 24 घंटे के अंदर उसका हत्यारा पकड़ा जाना चाहिए। साला प्रहलाद चौधरी के वफादार को मार डाला, कोई मजाक है क्या? अब बेफिक्र होकर घर जाइए और विश्वास कीजिए मेरा, हम हमारे काम में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। जी हम बबलू मिश्रा, आलोक की जीजा। ये पिंकी है हमारी पत्नी, आलोक की छोटी बहन। कुछ बता सकते हो कोई क्यों हमला करेगा आलोक पर? जी पता नहीं, बॉडीगार्ड था आलोक प्रहलाद जी का, अब वो तो खुद ही बाहुबली है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे अचानक। सुमन जी, आप कुछ बता सकती हैं, आलोक ने कभी कुछ कहा हो आपसे कि उसे किसी से कोई खतरा हुआ? हमारी लगभग रोज भैया से बात हो जाती थी, कभी ऐसा कुछ कहा नहीं उन्होंने, और अगर उनकी किसी से अनबन हुई भी हो तो हम नहीं जानते, वो अपनी निजी जिंदगी की बातें हमसे नहीं करते थे। पर अगर ऐसा कुछ हुआ भी हो तो ऐसा भी क्या झगड़ा,
जो जान ही ले ले। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब आलोक प्रहलाद चौधरी के यहाँ 3 साल से जॉब करता था और पिछले 1.5 साल से प्रहलाद चौधरी की बेटी जानू चौधरी के निगरानी में साई की तरह उसके साथ रहता। हर सुबह घर से कॉलेज छोड़ता था और फिर कॉलेज खत्म होने तक वही बाहर ही उसका इंतजार करता था। मॉल हो, क्लास हो या मार्केट जाना हो, जानवी के घर से बाहर कदम रखते ही हर जगह आलोक उसके साथ रहता था, उसकी रखवाली करता था। सुबह से लेकर रात तक यही उसकी ड्यूटी थी, जानवी चौधरी की रखवाली, ये उसकी जिम्मेदारी थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं ये आलोक प्रहलाद चौधरी की किसी रंजिश की वजह से मारा गया? किसी और के बॉडीगार्ड ने इस बाहुबली के बॉडीगार्ड को उड़ा दिया? साहब अगर ऐसी बात है तो बहुत जल्द अगली पार्टी की तरफ से धमाका होगा। पर गोली तो एक ही गन से चली थी, ये आपसी मुठभेड़ का तरीका नहीं लगता पासवान, वरना कम से कम 2-3 लोग आते धावा बोले। क्या खिचड़ी कुछ और ही पक रही है, किसी षड्यंत्र की बुआ रही। और तूने क्या कहा था कि ये आलोक प्रहलाद चौधरी से ज्यादा उनकी बेटी जानवी के साथ रहता? हाँ साहब, लेकिन सिर्फ पिछले 1.5 साल से। जानवी का चक्कर? ये लौंडा आलोक 25 साल का था, दिखने में काफी स्मार्ट और फिट था, और जानवी 21 साल की। लगभग सारा समय वो दोनों साथ में बिताते थे और दोनों जवान भी थे। कहीं जवानी के जोश में कुछ कर दिया हो और इस बात की भनक बाहुबली को लग गई हो। साहब यहीं पर हमें सारे मामले की जड़ लग रही। सर एक ओठे वाली है रेनू, उसका फोन आया, कहती है वो जानती है आलोक को किसने मारा होगा। शाबाश। हेलो साहब, हम रेनू। हाँ रेनू बोलो। किसने मारा आलोक को और ये बात तुम्हें कैसे पता चली? साहब उसको धमकी मिली थी जान से मारने की और ये सब हमारे सामने हुआ था साहब। एक काम करो, अभी के अभी बंसोली थाने आ जाओ। हेलो। हेलो निकिता, क्या तुम इन सब के बारे में जानती थी? कैसी बात कर रही हो शालिनी, अगर हमें कुछ पता होता तो क्या हम तुम्हें नहीं बताते? यार हमें ना बहुत डर लग रहा है। तुम ना चुपचाप अपना मुंह बंद करके आराम से बैठो, बस इतना याद रखो कि हम उसको बिल्कुल नहीं जानते थे, समझी? लेकिन निकिता हम उसे जानते थे। अरे शालिनी ये बात तुम जानती हो और हम जानते हैं और कोई नहीं जानता है, और पुलिस वालों को ना कुछ पता नहीं चलेगा। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? निकिता आखिरी संडे जब वो हमसे मिलने आया था ना तो उसने ना हमसे एक बात बोली थी। शालिनी हमें नहीं जानना है कि वो क्या कह रहा था, हमें नहीं सुनना है। तुम बताओगी ना तब भी नहीं सुनेंगे, बस हमें ना किसी पचड़े में पड़ना ही नहीं है। रो लो सुमन, रो लो, काहे नहीं रो रही हो? एक ही तो बेटा था तुम्हारा, हमारा बच्चा आलोक चला गया अपनी माँ को छोड़कर। बेचारी सुमन कोई 20-21 साल की रही होगी जब उसका पति उसे छोड़कर चल बसा, जैसे तैसे करके उसने अपने बच्चे को पाला और आज जब आलोक उसका सहारा बना तो ऊपर वाले ने उसे भी छीन लिया। अरे नु बोलो क्या बताना चाहती हो, किसने मारा आलोक? सब वही दोनों विकास और मोहित साहब, वो 10 जून को आए थे हमारे कोठे पे हमको कहीं बाहर ले जाने के लिए। ये ले। दोनों कमीने एक रात के लिए हमको बुक क्या किए, अपने बाप का माल समझने लगे थे हमको। अरे सलाई सब नहीं हो काम से, अरे छोड़ो हमको, छोड़ो चुप। ऐसा कैसे नहीं होगा? पैसा दिया तो कुछ भी करोगे क्या? अरे जिस काम का पैसा दिया वो कर रहे हैं ना, उनको क्यों शोर मचाया? छोड़ो हमको, छोड़ो। चुप, शिकार मत कर। दोनों सारे जानवर साहब, अब हमारे मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती करने लगे तो हम भी खुद को बचाने के लिए चिल्लाना शुरू किए। बचाओ! अरे बचाओ कोई है! अरे बचाओ! अरे कोई तुम लोग सुने
क्या चल रहा है? सर साहब, साहब, साहब ये दोनों हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं साहब। वो भी गलत तरीके से। हम आपको कैसे बताएं साहब? चुप। होटल पे काम करती हो, नाटक कर रही है तू? आराम से भाई। हाँ ये तू साले कौन है बे तू? ए अपना खेल चाहता है तो निकल। पीछे रह। सुपरमैन की औलाद। सुन ले, ये कोठे पे काम करती है, इसको पैसा दे के लाया समझा? तो पैसे खर्च किए हैं। पैसा दे के लाया तो कुछ भी हाथ मत लगा क्या? चल तू। ए हाथ मत लगा, पैसा दे के लाया तो कुछ भी करेगा क्या तू? ए इंसानों से इंसानों जैसा व्यवहार करना सीखो समझे, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अबे तू साले, ज्यादा अपना ज्ञान झाड़ने का जरूरत नहीं है। ज्ञान का पोटली अपने जेब में। आराम से समझा रहे थे, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या बे? एक काम करते हैं, लड़की से ही पूछ लेते हैं, अगर वो जाना चाहती है तुम लोगों के साथ तो हम चुपचाप चले जाएंगे। साहब हमको नहीं जा रहे इनके साथ, हम मैडम को कह देंगे इनके पैसे वापस कर दे। यही बंसोली गांव में रहते हैं, हाईवे से 10 किलोमीटर दूर गांव है हमारा, रोज 11 बजे यहाँ से गुजरते हैं। जब भी दिल हो ना आ जाना सारे बंदूक लेकर। साले तुम्हारे नहीं डाल दिए ना तो कुत्ता पाल लेना हमारे नाम का। विकास अग्रवाल मोहित जिंदाल। मदद करने के लिए थैंक यू, हमारा नाम रेनू है। ठीक है जाओ अब। बहुत भला आदमी था साहब, इज्जत से घर पहुंचाया हमको। तुम्हारी कहानी में काफी ड्रामा है, तुम कहीं कहानी बना तो नहीं रही हो? क्योंकि आजकल के जमाने में इतना भला आदमी मिलना थोड़ा मुश्किल है। साहब हम क्यों ड्रामा बनाएंगे, सामने से आके आपको सब बात बता रहे हैं, अखबार में देखे तो। खुदाई हो या किसी ने भेजा है कहानी सुनाने के लिए? मत मानिए, हमको क्या है? पहले क्यों नहीं गई तुम पुलिस के पास? हद करते हैं साहब आप, पुलिस में जाते तो हमारी सुनता कौन? अभी सामने से आके आपको सब बात बता रहे हैं तो आपको हम पर यकीन नहीं हो रहा? शिकायत दर्ज करवाने जाते तो हमारी बात मान लेते आप लोग? नहीं, उल्टा हम ही को अंदर बंद कर देते। मोहित और विकास ने ही मारा आलोक को, हमको जो बोलना था सब हम बोल दिए हैं, अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। जी छुटका वाला इंस्पेक्टर आया है, कह रहा है जानवी बीबी से कुछ पूछताछ करनी है उसको। साला सादा चर्बी चढ़ गई इन लोग को। ए इंस्पेक्टर क्या बात करनी तुझे बे? पहला जी हम आपकी बेटी जानवी से पूछताछ करना चाहते हैं। क्या पूछताछ करना चाहता है तू? वो लड़का आलोक पाठक उसका बॉडीगार्ड था ना। हाँ तो जानवी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, जो पूछना है हमसे पूछ। लड़का आलोक हमारा आदमी था, खास आदमी समझे? ये बात हम जानते हैं प्रहलाद जी, और हम ये भी जानते हैं कि आलोक को 1.5 साल पहले आपने जानवी के साथ रखा था। रखा था मतलब? अबे बोल क्या रहा है तू है? मेरा मतलब था जानवी की सिक्योरिटी के लिए रखा था, उसका बॉडीगार्ड था वो। साला हमारा आदमी मरा है और तुम लोग हमारे घर आके हमसे पूछताछ कर रहे हो, और इस जानवी को बीच में घुसने की हिम्मत कहां से हुई तेरी? नाम क्या है तेरा है? राजन पासवान। राजन पासवान, अभी घनश्याम ने बताया था सुबह, दो लौंडे का नाम क्या नाम रहे उसका? विकास अग्रवाल और मोहित जिंदल। उनको पकड़ा? हाँ वो दोनों हमारे लोग। अब तो उनको पेलो ना, यहाँ कौन सा तेल निकालने आया, अब ये भी समझाना पड़ेगा तुम्हें। हमें जानवी से सिर्फ इतना पूछना है कि उसकी आलोक के साथ कोई बात हुई थी क्या? आलोक हमारा खास आदमी था, नौकर था, चाहे जितना भी खास हो जानवी से क्यों बात करेगी? और जानवी से पूछताछ करके तुम्हें क्या मिल जाएगा खजाना? जानवी यहाँ नहीं है, और अगर होती भी ना तो तुम्हें कुछ नहीं बताती, मुझे कुछ नहीं पता। निकल निकल। इस्तम मत करी, जाइए चलिए चलिए निकल यहाँ से चलिए। अकल मत दिखाना दोबारा यहाँ। कितना बदतमीज इंसान है, पुलिस को अपनी पर्सनल सर्विस समझ रखा इसने। पहले तो खुद ही पुलिस का सर पर चढ़ रहा था कि 24 घंटे के अंदर हत्यारों को ढूंढो, और अब अपनी बेटी से भी बात नहीं करने दे रहा है। मुझे तो पक्का लग रहा है, पक्का लग रहा है कि आलोक के मर्डर में इसी का हाथ है। आलोक इसका खास आदमी था। अरे क्या खास आदमी था? पहले तो खास आदमी बोलता है और दूसरे ही पल उसे नौकर भी कहता है। ऐसा कैसा खास आदमी था पता नहीं। मुझे नया आदमी रखा है, ठीक से समझा दिया उसको। जानवी पे अच्छे से नजर रखे, नजर हटी तो जान से जाएगा, ठोक देंगे बता देना उसको। अच्छे से समझा दिए हैं, एक बार फिर बोल देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा वो मर गया साला, अपने आप को सुपरमैन समझता था। क्रिया गरम करो और भूल जाओ साहब। तुम दोनों ने खुद मारा आलोक को, या फिर किसी को भेजा था उसको मर्डर करने के लिए? सारी बात हम बताएंगे तो आप क्या करेंगे? अरे ओ इंस्पेक्टर हाथ मत चलाना, मुंह से बात कर। एक मिनट में ट्रांसफर करा सकते हैं।
अबे तेरा एक मिनट खत्म होने से पहले डिसअपीयर कर दूंगा तुम दोनों को, समझा? जितना पूछा जा रहा है उतना मुंह खोलो, बोलो क्यों मारा आलोक को? अरे इंस्पेक्टर, अरे हमने कुछ नहीं किया है, नहीं मारे उसको। ताले को सुपरमैन बनने का बहुत शौक था, किसी और को भी उंगली किया होगा। उंगली? तुम दोनों के नाम पर एफआईआर लिख रहा हूँ, देखता हूँ तुम दोनों का बाप तुम्हें छुड़ाने के लिए कौन सी पैरवी कहाँ से लेकर आता है। अरे हमारा यकीन मानो इंस्पेक्टर, हमने नहीं मारा है उसे। हाँ, उसका मौत का खबर सुन के बोतल जरूर खोले थे खुशी में, लेकिन उसको मारा नहीं। दरअसल उस रात हम लखनऊ में थे ही नहीं। उस दो टके की कोठे वाली को बचाने के लिए सुपरमैन बन रहा था, उसकी क्या औकात क्या उसे मारते? तुम दोनों ने किसे भेजा था उसको मारने के लिए? ना हमने उसको मारा है ना मरवाया है, बार बार पूछने से जवाब नहीं बदलते। उस रात तुम दोनों कहाँ थे? लखनऊ में तो नहीं। मैंने पूछा कहाँ थे? दिल्ली में थे, अपना दोस्त अर्जुन के घर में पार्टी कर रहे थे, कल ही लौटे। उस रात मूड बन गया, गुस्से में कह दिया कि ठोक देंगे, लेकिन सिर्फ बोले थे, ठोके नहीं। अब उस टुच्ची सी औरत के लिए मर्डर करेंगे, चलिए आई मुंह उठा के थाने हमारा नाम लेने। गुप्ता झगड़ो तो ना। इंस्पेक्टर ठीक नहीं कर रहे हो, बहुत महंगा पड़ेगा। साहब ये बबलू है ना, आलोक का बहनों ही है, उसकी छोटी बहन पिंकी का पति, हमको लगता है उससे कुछ पता चल सकता है। देख मुश्ताक, कुछ भी करके हमारा जानवी से बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसका बाप वो प्रहलाद चौधरी करने नहीं दे रहा है। कुछ भी करके जानवी से बात करने का तरीका निकाल, कोई तोड़ निकाल के ला उसका, समझा? ये क्या बोल रहे हो साहब, वो बाहुबली है और हम डेरे छोटा मोटा खबरी, हमारी क्या औकात है उसके सामने? मैं कुछ नहीं जानता मुश्ताक, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन हमारा जानवी से बात करना बेहद जरूरी है। और ये बबलू, इसका क्या चक्कर है? साहब बंसोली गाँव में सारे लोग एक ही सुर में बोल रहे हैं, ये बबलू अपनी पत्नी पिंकी को बहुत पीटता था। पिंकी, ये देख के लगता तो नहीं कि तुम सीढ़ी से गिर गई थी? भैया हमने आपसे कहा ना, पैर फिसल गया था हमारा। पैर फिसल गया था तुम्हारा, तो पैर में चोट काहे नहीं है, चेहरे पर काहे है? बबलू मारा है पिंकी को। माँ, हर बात भैया को बताना जरूरी है का? तो तुम बताओ ना, खोलो मुंह बोलो। कुछ नहीं हुआ है भैया, छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया था हमारा। झगड़ा हो गया था तो उसके चेहरे पर भी निशान होना चाहिए। भैया तुम रहने दो ना, पति पत्नी के बीच की बातें हम देख लेंगे, तुम मत पड़ो इसमें। अगर हमारी बहन पे हाथ उठाया ना तो सच में भूल जाओगे जी जान तुम्हारे, समझे? याद रखना ये बात। तो अपनी बहन से जाके पूछ जो हर काम में ना नकुर करती है, अब घर का काम वो नहीं करेगी तो हमारी अम्मा करेगी, कहा क्या इसलिए बिहार लाए थे उसको? बीवी लाए हो ना तुम, बीवी लाए हो, नकरानी लाए हो तुम, हाँ? अगर परेशानी है तो बैठ के बात करो, हाथ उठाओगे तुम उसके ऊपर? तो मतलब वो हुकुम चलाएगी हम पे और हमारी अम्मा पे? तुम्हारी होने वाली बेबी तुम्हारी अम्मा पे अगर हुकुम चलाएगी तो तुम बर्दाश्त करोगे कहा? नहीं बर्दाश्त करेंगे, लेकिन मर्दों की तरह हाथ नहीं उठाएंगे उसके ऊपर, समझे? एक बात बताओ, ये तुम्हारा यहाँ वहाँ चल रहा है ना, ये तुम मुंह मार रहे हो, सब समझते हैं हम। इधर देखो, बात कर रहे हम तुमसे, तुमको क्या लगता है? हमको पता नहीं है, लेकिन हम आँख मुंह सब बंद किए हुए हैं, काहे? काहे कि जीजा हो तुम हमारे। अगर हमारी पिंकी के ऊपर हाथ उठाया, उसको कोई तकलीफ हो तो सब भूल जाएंगे कि जीजा हो तुम हमारे, समझे? याद रखना ये बात, जान से मार देंगे तुमको। इस इन्वेस्टिगेशन के तीन पहलू थे। एक तरफ अमीर बापों के दो बिगड़ैल बच्चे थे जिनको रेनू के साथ गलत व्यवहार करने की वजह से आलोक ने पीटा था। दूसरी ओर एक बाहुबली की बेटी जानवी थी जिस तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और तीसरी ओर खुद आलोक की सगी बहन का पति बबलू था जिसको पिंकी पर हाथ उठाने की वजह से आलोक ने धमकी दी। इस सब के बावजूद इस केस के कई ऐसे पहलू थे जो अभी तक सामने नहीं आए थे, और इन सब के बीच खड़ी थी एक मां जिसने अपने जीने का सहारा अपना इकलौता बेटा खो दिया। एक ऐसी मां जिसने बहुत शिद्दत से कड़ी मेहनत करके अपने बेटे और बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था, अपने जीवन का हर पल उन पर न्योछावर कर दिया था। 16 साल के थे हम, सिर्फ 16 साल के, जब आलोक हुआ था। उसके 2 साल बाद पिंकी पैदा हुई। इनके पिताजी की मृत्यु के बाद हम भी उन्हीं के साथ मर जाना चाहते थे, ये बच्चे ही हमारे जीने का सहारा थे मैडम जी। किसी को कहा मिला हमसे आलोक को छीन के। हमें 2 लोगों पर शक है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सबूत हाथ में नहीं है।
हम आपसे आपके दामाद बबलू के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आपको उस पर शक है? बबलू किया है ये सब? नहीं, अभी हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन क्या ये सच है कि आपकी बेटी पिंकी और बबलू के आपसी संबंध ठीक नहीं है और आलोक ने बबलू पर हाथ उठाया था क्योंकि उसने पिंकी को मारा था? अगर बबलू गुनहगार है तो फांसी चढ़ा दीजिए, उसको गोली मार दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे यकीन के साथ अभी नहीं कहा जा सकता कि उसी ने किया है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आलोक ने कभी कुछ जिक्र किया कि उसे कोई धमकी मिली थी या फिर जानवी के बारे में कुछ कहा हो? कभी भी कोई भी बात जो आपके दिमाग में हो। जानवी, वो उसके मालिक प्रहलाद जी की बिटिया। हाँ वही जानवी। नहीं, हमसे कभी कोनो जिक्र नहीं किया। मैडम जी, आलोक ऐसा था ही नहीं कि वो अपने मालिक की बिटिया पर गलत नजर डालेगा। आलोक ने कभी नहीं कहा कि उसकी जान को खतरा था, कोई उस पर हमला कर सकता था। हाँ, आपके बेटे के पास तो बंदूक थी, बॉडीगार्ड था, घर भी लाता होगा बंदूक। हम देखे हैं उसकी बंदूक और ये भी देखे हैं कि वो हर जगह बंदूक को लेकर जाता था। रात में घर लौटते समय भी वो बंदूक अपने साथ ही लाता था। हम लगभग रोज ही उसका इंतजार करते थे, उसे अक्सर आने में देर हो जाती थी। वो जिद भी करता था कि माँ तुम खाना खाकर सो जाया करो, फिर भी हमारा मन नहीं मानता था। 14 की रात को भी हम उसका इंतजार करते रहे। हमको लगा कि कुछ ज्यादा काम होगा, रुक गया होगा वहीं। हमको क्या पता था कि अब हमारा आलोक कभी वापस नहीं आएगा। आलोक हमसे कभी कोनो धमकी का जिक्र नहीं किया। आप गांव में किसी से भी पूछ लीजिए मैडम जी, उसका कभी किसी से कोई लड़ाई भी नहीं हुआ कि कोई उसकी जान ले ले। बंसोली का बच्चा बच्चा जानता है हमरे आलोक को। सही, विकास और मोहित सच बोल रहे थे। जिस रात आलोक का मर्डर हुआ ये लोग दिल्ली में ही थे। इनके दोस्त अर्जुन से भी बात हुई। हो सकता है ये दोनों खुद दिल्ली में हो, लेकिन इन्होंने यहाँ पर किसी को सेट किया हो आलोक का मर्डर करने के लिए। हो सकता है सर, पक्का हो सकता है। एक टीम लगी हुई है हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट खंगालने के लिए। क्या पता इन्हीं में से किसी को काम दिया हो ये करने के लिए। सर, आलोक के फोन में कुछ नंबर्स मिले, थोड़ा अजीब है। इन नंबर्स पे कॉल्स एक पैटर्न में किए गए। पैटर्न में? जैसे? जैसे कि सर, आलोक की नंबर्स पे सैटरडे शाम को और संडे को ही बातें होती थी, तकरीबन हर हफ्ते। 100% लड़की का मामला है, बस यही सामने आना बाकी रह गया था। चलो ये भी सही। सर, ये है पहली लड़की शालिनी अवस्थी और दूसरी निकिता भारद्वाज। कानपुर से? दोनों लखनऊ से है सर। एड्रेस लखनऊ की पोस्ट लोकेलिटी का है। आलोक के पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स में ये नंबर्स लगातार दिखाई दे रहे हैं। कॉल करो दोनों। ठीक है सर। सर, हमें जानवी तक भी पहुंचना चाहिए। यस सर, जानवी से बात करना बेहद जरूरी है। ठीक है, मैं लखनऊ के सिटी SP से बात करता हूँ, लेकिन तब तक ये दोनों शालिनी और निकिता, इन दोनों को बुलाओ। देखते हैं आलोक के साथ इनका क्या कनेक्शन है। ठीक है सर। आलोक के जीजा बबलू की क्या रिपोर्ट है? मुश्ताक लगा है सर काम पर। ये बबलू आलोक से बहुत डरता था, लगता नहीं कि वो ऐसा कुछ करने की सोचेगा भी। देखो पिंकी, हमें तुमसे कुछ कहना है। बबलू, अम्मा पूछ रही थी कि 14 की रात को तुम कहाँ थे? घर पर ही थे, और तुम जानते तो हो? हम जानते हैं, पर तुम भी जानते हो कि उनके पूछने का मतलब क्या था। जब से अम्मा पुलिस वाले से मिली है ना, तब से वो भी हम पर ही शक करने लगे। अगर सही में तुम ऐसा कुछ किए हो ना बबलू हमारे भैया के साथ, तो माँ कसम काट डालेंगे तुमको। देखो पिंकी, हम भी यही बोल रहे हैं कि हम मानते हैं कि हम आलोक पर गुस्सा थे, और ये जानते हुए कि हम जीजा उसको उसने हमें मारा, बेइज्जत किया, और आलोक को मार के हमें काम मिलता, और आलोक का जाने का दुख हमको भी है। अब ऊपर से घर वाले भी हम पर शक कर रहे हैं। बस तुम अपनी अम्मा से एक बात कह दो कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, तुमको शर्म नहीं आती है? का शर्म नहीं आती है? हम बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं किए, लेकिन हमको एक बात पता है जो शायद पुलिस को नहीं पता है। शायद का? तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था। क्या मतलब? देखो बबलू, भैया के बारे में बकवास मत करो तुम। वो बाहुबली की बेटी के साथ देखे थे उसको। आलोक के मालिक ही मरवाए हैं आलोक को।
हम पक्का जानते हैं और बेवजह सबका नाम घचड़ादार है। नहीं, हमें तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि हमारे भैया ऐसे नहीं थे। अरे तुम्हारी कसम, तुम्हारे भाई का उस जानवी के साथ चक्कर था, हम देखे थे दोनों को अपनी आंखों से। जी आलोक पाठक को तो जानते होंगे आप, नाम मत कहना, डिटेल्स है हमारे सामने। देखिए आप जो पूछेंगे हम बता देंगे, लेकिन इस मामले में हमारा नाम नहीं आना चाहिए। वो तो तुम्हारी कहानी तय करेगी कि तुम्हारा नाम आएगा या नहीं। वैसे जितनी नर्वस तुम लग रही हो, उससे कुछ कुछ यकीन हो रहा है कि तुम आलोक के मर्डर के बारे में कुछ जानती जरूर। जी सर, मैं आलोक को जानती थी, लेकिन आलोक के मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। निकिता भारद्वाज, आपकी सहेली, उसने हमें बताया कि आलोक ने आपसे कुछ कहा था, क्या कहा था? आखिरी संडे जब वो हमसे मिलने आया था ना, तो उसने ना हमसे एक बात बोली थी, पर मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं। मुझे सच में मैडम कुछ भी नहीं पता है। और आपको ये बात अजीब नहीं लगती है कि आप किसी को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, फिर उसका खून हो जाता है और आपको पता ही नहीं है कि उसका खून क्यों हुआ है? घबराओ मत, सब पता चलेगा। शालिनी को उठा लिया है हमारी टीम ने निकिता, सच सामने आ जाएगा। तुम और शालिनी अच्छे दोस्त हो और आलोक से बात किया करते थे। ये जो भी बात शालिनी और आलोक के बीच में हुई है, वो शालिनी को पता है और तुमको नहीं। मैं और निकिता आलोक को 4 साल पहले मिले थे जिम में, वो वहाँ पर ट्रेनर था। पहले हम दोनों की दोस्ती हुई और उसके बाद दोस्ती से कुछ ज्यादा। और ये दोस्ती से कुछ ज्यादा शादी के बाद भी चलता रहा? मैडम बस इतना ही था आलोक के साथ। मेरे हस्बैंड अक्सर बिजनेस ट्रिप्स पे जाते हैं, तो उनके पास ज्यादा समय नहीं होता मेरे लिए। आलोक सैटरडे संडे को फ्री रहता था, इसलिए उससे मिल लेते थे। चलो ठीक है, जो भी है तुम्हारा निजी मामला है, उस पर नहीं जाते। तो क्या तुम्हारे पति ने आलोक को मरवाया? शायद भनक लग गई हो, ड्राइवर ने बता दिया हो किसके साथ जाती हो, कहाँ जाती हो। हम हमेशा ऑटो रिक्शा करके जाते थे और आलोक ने भी कभी हमारे से कुछ नहीं कहा। पर हाँ, शालिनी ने बताया था कि आलोक ने उसको जरूर कुछ बताया है। सर, जब वो संडे को मुझसे मिलने आया था, तब मैंने उससे पूछा था कि वो किस बात से परेशान है। किस बात से परेशान? वो प्रहलाद चौधरी, जिसके यहाँ वो काम करता था। जब मन नहीं था तो बता देते, पूरा हफ्ता हम इस दिन का इंतजार करते रहते हैं। अगर पैसों की जरूरत है तो हम दे देंगे। अरे नहीं, चिंता मत करो, हम पैसे वापस नहीं मांगे। कहा ना एक बार, पैसों की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या बात है, इतने परेशान क्यों? किसी और लड़की का चक्कर है क्या? आलोक, हम तुमसे पूछ रहे हैं, जवाब दो। तुम और निकिता दोनों अपने पति से खुश नहीं है ना? अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि शादी से पहले की बात और थी, अब हमें ऐसा लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। आलोक, के सही और गलत क्या होता है? जब तक हम एक दूसरे के साथ खुश हैं, तब तक सब सही है। नहीं तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, कोई बंधन तो है नहीं। लेकिन तुम दोनों शादीशुदा, ऐसे ठीक लगता है क्या? तुम दोनों शादीशुदा होने के बावजूद अपने पति से छुप छुप कर यहाँ होटल में मजे लेते हो। ए आलोक, ये तुमने अचानक मॉरल साइंस का पाठ क्यों पढ़ाना शुरू कर दिया? क्योंकि, खैर जाने दो। नहीं नहीं नहीं, बात पूरी कर। क्या बात है, तुम्हें क्या लगता है हम घटिया औरत है? हाँ, अपने पति को धोखा दे रही है दो पल के मजे के लिए? ऐसा हमें नहीं, तुम्हें लगता है। हमें नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, सोचो। ये सवाल तुम निकिता से भी पूछोगे? हाँ। देखो आलोक, हमें तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी हमारे पति के साथ भी हमें अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा अच्छा तुम्हारे साथ लगता है। पर हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। तो हम कौन सा तुमसे शादी करना चाहते हैं? हाँ तो फिर इन सब सवालों का क्या मतलब है, क्यों पूछ रहे हो ये सब सवाल? क्या बात है, किसी से झगड़ा किया है, किसी ने कुछ बोला है, निकिता ने कुछ बोला है तुमको? देखो आलोक, माना कि हम दोनों के बीच में जिस्मानी संबंध है, पर हम दोनों दोस्त भी तो हैं। तुम अपने दिल की बात हमें बता सकते हो, क्या पता हम तुम्हारी मदद कर दें। कुछ नहीं शालिनी, बस काम को लेकर प्रहलाद जी हमसे बहुत नाराज है, बहुत, जबकि हमने आज तक उनको शिकायत का कभी मौका ही नहीं दिया। पता नहीं कैसे। क्यों, उनकी बेटी के बारे में कोई बात है? इतनी सी बात थी? हाँ, वो थोड़ा भावुक हो गया था जब अपने मालिक प्रहलाद चौधरी के बारे में बात कर रहा था,
लेकिन जब मैंने आलोक से उसके मालिक प्रहलाद चौधरी की बेटी जानवी के बारे में पूछा, तब सर वो एकदम से चुप हो गया अचानक। सर मुझे तो लगता है कि जानवी के बारे में ही कुछ बात होगी। तुम्हारी बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाए। नहीं, हम तुम्हें छोटा नहीं समझते। ये आपका बड़प्पन है, पर जहां आप बैठी हैं बड़प्पन वहीं से अच्छा लगता है। तुम हमें धोखा तो नहीं दोगे ना आलो? तुम हमें धोखा तो नहीं दोगे ना आलोक? तुम्हारी इस चुप्पी का क्या मतलब समझे हम आलोक? सर आलोक बहुत ही अच्छा लड़का था और बहुत ही सुलझा हुआ भी, और अपनी माँ के भी बहुत क्लोज था। एटिन सर, अब हमारे लिए जानवी से बात करना बेहद जरूरी है, थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा। बाकी सारे एंगल्स एक तरफ और प्रहलाद चौधरी का एंगल एक तरफ, सबसे मजबूत कड़ी यही दिख रही है और वो है कि जानवी से बात ही नहीं करने दे रहा, इसलिए बार बार कातिल को पकड़ने की बात कर रहे ताकि उन पे से हमारा ध्यान हट जाए। सुधीर, कोई भी ठोस सबूत है तुम्हारे पास प्रहलाद चौधरी के खिलाफ, तुम्हें अंदाजा तो होगा ही कि वो कौन है। एक गलत कदम और वो हम सब पर चढ़ जाएगा, और फिर वो अगर गुनेगार रहा भी तो बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। सर हमें प्रहलाद चौधरी से बात करके कुछ नहीं मिलने वाला है, हम प्रहलाद चौधरी की बेटी जानवी से बात करना चाहते हैं। सर ये लड़का आलोक पाठक जिसका मर्डर हुआ, ये जानवी का बॉडीगार्ड और ड्राइवर था, ज्यादातर समय ये दोनों साथ में होते थे। अगर गोली मारकर हत्या हुई है तो तुम सुपारी लेने वालों को क्यों नहीं टटोलते? इस हत्या की जड़ वहीं मिलेगी। प्रहलाद चौधरी से बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर प्रहलाद चौधरी ने आलोक पाठक की हत्या करवाई है तो क्या उसकी बेटी ये बात बोलेगी? कभी नहीं। जिसने गोली चलाई है उसे ढूंढने पर फोकस करो। सर हम हिस्ट्री शीटर्स को भी खंगाल रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। तो कहीं और ढूंढो सुराग। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बाहुबली की बेटी से कुछ नहीं मिलने वाला। सर मैं कह रहा हूँ, आलोक के मर्डर की वजह आलोक और जानवी के रिश्ते में छिपी है। ऐसी कई बातें सामने आई हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मेरे लिए भी आसान नहीं होगा, मुझे मेरे अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी। जैन सर। साहब, आलोक को किसने मरवाया कुछ पता चला का? अभी तक कुछ पता नहीं चला है सुमन जी, हम अभी भी कातिल की तलाश कर रहे हैं। उसके मालिक ने मरवाया का उसको? फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। सुमन जी, आपको आलोक और उसके मालिक की बेटी जानवी के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं? आलोक ने बताया नहीं कभी हमको इसके बारे में, पर वो हमारा बेटा था। हम कह रहे कि आलोक बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि अपने मालिक की बेटी पर नजर डालेगा। वैसे भी कहां हम लोग और कहां वो लोग साहब? तो और कौन हो सकता है जो आपके बेटे को मार सकता? बबलू के खिलाफ कुछ मिला है का आप लोगों को? सब लोग कह रहे कि उसका हाथ हो सकता है। हम इस बात को लेकर भी जांच कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है जो बबलू की तरफ इशारा करे। एक तरफ एक लाचार मां थी जो बेचैन थी ये जानने के लिए कि उसके जीने के इकलौते सहारे को किसी ने क्यों मार दिया, और दूसरी तरफ लाचार पुलिस थी जो बड़ी बेताबी से प्रहलाद चौधरी की बेटी जानवी से पूछताछ करने की परमिशन का इंतजार कर रही थी, और साथ ही पुलिस बाकी सभी संभावनाओं को भी टटोल रही थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी सभी कड़ियों को ध्यान में रखा था ताकि कोई चूक ना हो, लेकिन क्या पुलिस सच में सही दिशा में अपने कदम बढ़ा रही थी? आलोक की हत्या के पीछे का कारण आखिर था क्या? आलोक जब हमसे मिलने आया था तब उसने अपने मालिक प्रहलाद चौधरी की नाराजगी के बारे में हमें बताया था, लेकिन उसकी जान को खतरा उसने हमें ये नहीं बताया था। शालिनी तुम्हें क्या लगता है, क्या सिर्फ वही बात थी? शायद नहीं, क्योंकि वो जो हमसे बात कर रहा था वो प्यार मोहब्बत वाली बात तो नहीं थी, बात कुछ और ही थी, किसी नैतिकता की बात कर रहा था। क्योंकि शादी से पहले की बात और थी, अब हमें ऐसा लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। हाँ कोई बंधन नहीं, लेकिन तुम दोनों शादीशुदा हो, ऐसे ठीक लगता है क्या? दोनों शादीशुदा होने के बावजूद अपने पति से छुप छुप कर यहाँ? निकिता, अगर जानवी के बारे में बात होती तो मैं अपने और जानवी की हैसियत की बात जरूर कहता, क्योंकि ना तो दोनों का समाज एक था और ना ही औकात,
पर हमें एक बात समझ नहीं आती, इन सब बात में नैतिकता की बात कहां से आ गई? तो फिर आलोक कहना क्या चाह रहा था, किससे खतरा था उसको? तुम हमें धोखा तो नहीं दोगे ना आलोक? चल भाई राजेश, अब तो बता आलोक को किसने मारा? मुश्ताक, सारे सूटर बेरोजगार बैठे हैं, कोई काम पे ही नहीं बुलाता है, सब लोग आपस में ही गुट बनाकर सारा काम कर लेते हैं। तो फिर आलोक को किसने मारा? कहीं वो प्रहलाद चौधरी का दाहिना हाथ घनश्याम तो नहीं? देख भाई, वो बड़ी पार्टी है, अगर घनश्याम चौधरी ने आलोक को मारा भी होगा ना तो कोई मुंह नहीं खोलेगा। ये बड़े घरों की बातें चार दीवार से बाहर नहीं निकलती है। और पता नहीं तुझे पता भी है कि नहीं कि आलोक का एक दोस्त था। अच्छा, तो उसने मारा आलोक? अरे नहीं यार, वो तो खुद आलोक के कातिल को ढूंढ रहा है। पुलिस कह रही है कि आलोक के मालिक ने ही उसको मरवाया। भरत, पक्की बात है ये? ये हमको नहीं मालूम भरत, पर जिस तरह से पिंकी कह रही है कि बबलू ने कुछ नहीं किया है, पर हमको बार बार लग रहा है कि बबलू ने ही कुछ। संभालिए अपने आप, हम हैं ना आपके साथ। तुम्हारी कोनो बात हुई है पुलिस से का? ना, अब तक तो नहीं, लेकिन हम भी आलोक के कातिल के पकड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं। भरत गुप्ता नाम है उसका, आलोक का ये जो दोस्त है ना भरत, आजकल काफी जोश में है कातिल को पकड़ने के लिए। पर ये सामने कैसे नहीं आया अभी तक? सामने कैसे आता, उसको तो पुलिस पे भरोसा ही नहीं है। जैसे तुम कातिल को ढूंढ रहे हो ना, वैसे वो भी हिस्ट्री सीटर की हिस्ट्री खंगाल रहा है कि आखिर आलोक पर गोली किसने चलाई, या हो सकता है उसे लग रहा हो कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि प्रहलाद चौधरी का इसमें कोई हाथ नहीं? ऐसा नहीं है यार, और अगर ऐसा है भी तो भरत पहले उसे ढूंढ रहा है जिसने आलोक पर गोली चलाई, ताकि वो सुपारी देने वाले तक पहुंच सके। तो क्या जानवी का चक्कर है? हो सकता है, लेकिन तुम एक बार मजनू खेड़ा जाकर नजर घुमा लो, वहां तुम्हें कविता शुक्ला मिलेगी। अब ये कविता शुक्ला कौन है? कुछ जानवी के चक्कर का खुलासा भी नहीं हुआ था तो उसके पहले दो और चिड़िया बाहर आई, चालिनी और निकिता, उससे पहले रेणु थी। कितनी सारी औरतों को फंसा रखा था इसने। तुम एक बार मजनू खेड़ा चक्कर तो लगाओ, तुम्हें ऐसा किस्सा हाथ लगेगा कि आलोक की माँ से लेके बहन तक सबकी याददाश्त वापस आ जाएगी। उसके चर्चे गांव में अभी बंद नहीं हुए हैं। भाई जी, अभी अभी खबर आई है कि पार्टी अध्यक्ष आपको फोन करने वाले हैं, पुलिस को पूछताछ में सपोर्ट देने के लिए कहने वाले हैं आपको। कौन पहुंचा पार्टी अध्यक्ष तक? ऊपर से पैरवी लगवाई, ये इंस्पेक्टर कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। तुम एक काम करो, पहले उस इंस्पेक्टर को कॉल कर दो कि हमें उससे बात करनी। भाई जी, हम उसको बोल तो दें, लेकिन वो आपसे नहीं जानवी बीवी से बात करना चाहता है। जानवी, जानवी, साला रवि कहाँ है पता करो। आप उसकी चिंता मत करिए, वो यहाँ दोबारा कभी नहीं दिखेगा। कविता शुक्ला, अब ये क्या नहीं बुलाया मुझसे? कौन है कविता शुक्ला? मजनू खेड़ा की रहने वाली है साहब, शादीशुदा औरत है, संजीव शुक्ला पति का नाम। ये संजीव शुक्ला मजनू खेड़ा में छोटा मोटा कारोबार करता है। इस कविता का आलोक के साथ अफेयर था? अफेयर की बात छोड़िए साहब, इस औरत के हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, अपने पति का घर छोड़ के आलोक के घर रहने चली गई थी। जी, आलोक जी घर पे है? नहीं, वो तो नहीं है, कुछ काम था तुमको? चलिए कोई बात नहीं। अरे अंदर कहाँ घुसे जा रही हो, कौन हो तुम? पर ये सामान किसका है? हाँ जी, हम कविता है, आलोक जी की पत्नी, और ये हमारा ही सामान है। पत्नी जी? अरे हम तो भूल ही गए। प्रणाम, हम जानते हैं आप हमारी सासू माँ हैं, अब हम यहीं रहेंगे इसी घर में अपने पति आलोक जी के साथ। सुमन जी, इतनी बड़ी बात बता रहा, आप हमसे भूल कैसे गई? ये बात एक साल पहले की थी साहब, खत्म हो गई थी, और बात बहुत छोटी थी तो कहाँ बताते आपको। बात छोटी थी? ये बात छोटी लगी आपको? इतना बवाल हुआ था, कविता के पति संजीव शुक्ला ने हंगामा किया था, एक औरत अचानक आपके बेटे आलोक की पत्नी बनके घर में आ गई, पूरे दो महीने आपके घर में रही, और ये बात बतानी आपने हमें जरूरी नहीं समझी? तो क्या ये सब कविता और उसके पति संजीव ने किया है? पता नहीं, आप ही बताइए क्या ये सब।
कविता वाली बात आपको छोटी लगी इसलिए आपने हमें बतानी जरूरी नहीं समझी। और आपके बेटे आलोक के दोस्त भरत, उसका क्या? वो खुद आलोक के कातिल को ढूंढने में लगा है। हो क्या रहा है ये? अच्छा तो गन भी है, मतलब अगर आलोक का हत्यारा तुम्हें मिल जाता तो उसे गोली मार दोगे? इसका लाइसेंस भी है हमारे पास, जिस फैक्ट्री मालिक यहाँ रखवाली करते हैं ना उसने दिलवाई है। अगर आलोक के हत्यारे को पकड़वाना था तो आकर हमारी मदद क्यों नहीं की? कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग उसका, उसकी ताकत है ना आप सबको दबा देगी। एक मिनट, किसकी ताकत की बात कर रहे हो? कौन है जिसने आलोक को मारा है या मरवाया? आपको क्या लगता है, पता होता हमको तो उड़ा नहीं दी होते अब तक। कौन है बेतू, इस मोहल्ले का हीरो है तू, हाँ जो उसे उड़ा देता? आलोक दोस्त था मेरा। तो ठीक है थाने में चल के बात करते हैं, तुम दोनों की दोस्ती की और आलोक के दूसरे दुश्मनों की। चल बैठ बैठ। सर जानवी का फोन आया था सामने से। क्या कर रही हो? हमसे बात करना चाहती है, कुछ बताना चाहती है हमें। हम एक बात बताना चाहते हैं, पर वादा करो कि इसके बाद आलोक के हत्यारों को सजा मिलेगी। तुम बताओ तो सही किसने मारा आलोक को। पहले ये बताओ कि आलोक के हत्यारे को सजा मिलेगी या नहीं। जानवी कल यहाँ आने को तैयार है, उसे कॉलेज के पिछले गेट से पिक करना होगा और कॉलेज खत्म होने के पहले वहीं ड्रॉप करना होगा। जरूर जानवी को पता है कि ये सब कुछ उसके बाप का ही किया था। मुझे भी ऐसे ही लगता है। सर हमें लगता है कि कविता शुक्ला और उसके पति संजीव शुक्ला ने ही आलोक की हत्या की। ये बात अगर तुझे पहले से ही पता थी तो सीधे सीधे हमारे पास क्यों नहीं आए? हमारी मदद करके तेरे दोस्त के परिवार की भी मदद हो सकती थी। क्या आलोक की मां सुमन जानती थी कि उसके बेटे का हत्यारा कौन हो सकता है? कहाँ गई थी तुम कविता? क्या आलोक की मां सुमन और उसका दोस्त भरत उसकी मौत का बदला खुद लेने पर तुले हुए थे, या फिर आलोक की मौत का असल रहस्य जानवी के साथ जुड़ा हुआ था? जिंदगी की कश्मकश में कई दायरे पार किए गए थे, पर वो कौन सा दायरा था जो आखिरकार आलोक की मौत का कारण बना? आलोक की मौत का कारण चौंका देने वाला था, उसकी मौत के पीछे की साजिश इतनी घिनौनी होगी ये किसी ने सोचा तक नहीं था। इन रहस्यों का पर्दाफाश कोई और नहीं बल्कि आलोक का दोस्त भरत ही करने वाला था। आलोक को किसने मारा था और उसकी मौत का राज आखिर था क्या, ये पता चलेगा कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और हमेशा याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।